हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल चाल? आई होप अच्छे ही होंगे। तो फिलहाल भाई आज कोई गेम प्ले वीडियो नहीं है, हमारे ग्राफिक्स की आज एक वीडियो है। फिलहाल मैंने अपने GTA 5 को काफी ज्यादा अपग्रेड कर दिया, एक तरीके से GTA 2.0 मैंने इसको बना दिया है। फिलहाल बहुत ज्यादा उसमें टाइम लगा है। चलिए ज्यादा वेस्ट नहीं करते, मैं आपको फाइनली गेम में लेकर के चलता हूँ, बाकी बातें वहीं पर करेंगे। फिलहाल भाई पुरानी वीडियोस से आज की वीडियो ग्राफिक्स आपको मतलब इतने अलग लगेंगे और जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। और अब की बार ये बेस्ट है भाई, कोई कलर करेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, अमेजिंग परफेक्ट ग्राफिक्स के साथ अपना प्यारा गेम भाई आ चुका है। अभी मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, कितना ज्यादा पहले से गेम अपना बेटर हो चुका है और काफी चीजें हो चुकी है, हर एक वेदर में, नाइट में, सारी चीजें। पॉइंट क्या है फिलहाल भाई, देखो मैंने काफी टाइम इसमें लगाया है, तो लगभग मेरे कम से कम बहुत ज्यादा टाइम लग गया, 7 या 8 घंटे मेरे को लग गए इसको पूरा पूरा सही करने में। पॉइंट क्या है, तो फिलहाल मैंने सोचा चलो इतना टाइम इसमें लगाया ही है तो क्यों ना इसकी एक स्पेशल वीडियो ही बना ली जाए, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूं भाई अपना नया GTA। फिलहाल अभी ये अमेजिंग लगने वाला है, काफ़ी इंप्रूवमेंट्स इसमें मैंने किए हैं और बहुत ज़्यादा काम मैंने किए हैं, ऊपर से छोटे मोटे नुकसान भी मेरे हो गए हैं, वो भी मैं आपको सारे सारे शेयर करने वाला हूँ। तो फिलहाल आप देखिए भाई कितना ज़्यादा अमेजिंग अब ये लग रहा है, इसमें कोई फिल्टर ऐड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये ऐसा ही है अमेजिंग। तो चलिए फिलहाल मैंने बहुत सारी नई नई गाड़ियाँ ही मंगवाई है जिनको चलाने में ट्रैवल का मतलब मज़ा ही आ जाएगा। फिलहाल मैं हाईवे से शुरू करूँगा, पहले हाईवे जाएंगे, फिर नई नई बिल्डिंग्स के पास जाएंगे, देखते हैं कितना ज़्यादा पहले से फर्क पड़ा है हर एक चीज़ के ऊपर। फिलहाल भाई मैं हाईवे पर पहुँच चुका हूँ, आते आते यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है। अच्छा वो चलो हो गई है, अभी आप देखिए भाई हाईवे पहले से कितना ज़्यादा इम्प्रूव है, पहले से बहुत बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क आपको लग रहा होगा। ये वही हाईवे जहाँ पे ट्रेवर रोज घूमता है, बट आज काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इसमें आप देख पा रहे होंगे। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखानी है, मतलब पूरा ही चेंज हो चुका है। फिलहाल भाई अब की बार मुझे नहीं लगता कोई कमी है, लास्ट टाइम आप लोग बहुत सारे बंदों ने बोला था कि भाई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मतलब इतना अच्छा नहीं लगा था आप लोगों को, तो मैंने सोचा चलिए क्यों ना आपकी बार अच्छे से किया जाए। इसके काफ़ी ग्राफिक्स को इम्प्रूव मैंने किया है और पहले से भाई अब की बार मुझे सच्ची में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, लगता है आपकी और मेहनत वसूल हुई है मेरी अमेजिंग तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको डेजर्ट की तरफ लेके चलता हूँ, माउंट शेड की तरफ लेकर के चलता हूँ। फिलहाल भाई अभी आप देख ही सकते हो मैं पहुँच चुका हूँ माउंट शेड की तरफ, आते थे थोड़े से रात हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा इंप्रूव हुआ है अपना गेम प्ले, मतलब कि ग्राफिक्स। साइड में मैं आपको दिखाता हूँ भाई लाइटिंग सिस्टम कितना अच्छे से आ रहा है, पहले ऐसा नहीं आते थे लाइटिंग सिस्टम हमारे GTA में, बट अब की बार मैंने उसको काफ़ी अच्छे से बेटर किया है, इसकी सेटिंग्स मैंने बहुत अच्छे चेंज करी है और अमेजिंग लग रहा है। फिलहाल माउंट शेड की तरफ आप देख रहे होंगे ट्रीज वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज आपको देखने को मिलने वाली है इस वाले ग्राफिक्स के साथ। भाई गेम प्ले जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको संडे से, क्योंकि फिलहाल अभी इसके ऊपर काम चल ही रहा है, थोड़ा और टाइम लग जाएगा, बट फिलहाल ये समझ लीजिए 95 कम्प्लीट हो चुका है, तो बताइएगा ज़रूर सारी चीज़ें। चलिए फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं, आपको और भी बहुत चीज़ें दिखानी है, काफ़ी इंप्रूवमेंट मैंने किया है इसमें। तो फिलहाल मैंने थोड़ा इंतज़ार किया भाई जब तक सुबह नहीं हुई है, अब थोड़ा पहले से दिन निकल चुका है, अब इसी वाले हाईवे को आप दिन के मोड में देखिए, मतलब कि दिन में देखिए जब सूरज की लाइट पड़ रही है तो कितना ज़्यादा अमेजिंग लुक और भी आ रहा है, लग रहा है ना GTA 2.0 सच है भाई, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो गया है पहले से, मेरे को बहुत बेटर लग रहा है। अगर कुछ और भी चेंजेस हो, देखो कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, पहली बहुत मैं आपको बताऊंगा, मैं काफ़ी तारीफ कर रहा हूँ, बट फिर भी कभी कभी कुछ भी चीज़ की कमी रह सकती है, ऐसा नहीं है कि भाई कमी नहीं है, क्या पता हो, तो इसलिए आप फिर भी कमेंट करके मुझे बताना क्या चीज़ सही लगी है और क्या चीज़ खराब लगी है। वैसे मुझे लगता नहीं अब मैंने इतनी कमी छोड़ी है, मैंने बहुत बारीकी से इसके ऊपर अब काम किया है और बहुत अच्छे से काफ़ी पहले से ज़्यादा इम्प्रूव इसको किया है, अमेजिंग है आपकी बार। फिर भी अगर कुछ कमी हो तो बताना, मैं उसका भी कोशिश करूंगा कि उसको भी हम लोग दूर करें थोड़ा सा। तो ठीक है भाई चलिए, ये अपना मिलिट्री वाला एरिया हो गया, आप देख रहे हो कितना ज़्यादा पहले से इंप्रूव हुआ है मिलिट्री बेस का एरिया, नहीं तो पहले बहुत अजीब लगता था, बट अब की बार काफ़ी हरियाली यहाँ पर हो चुकी है और पहले से काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लुक यहाँ पर आ रहा है। टनल में देखिए, हर जगह देखिए, सारी जगह पर बहुत सारी चीज़ें चेंज आपको देखने को मिलने वाली है। फिलहाल चलिए भाई अभी मैं गाड़ी चेंज करवाता हूँ, बंदों को बोल के दूसरी गाड़ी मंगाता हूँ, उसमें टेस्टिंग करते हैं। फिलहाल भाई अभी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा, लगभग मतलब कि रात होनी शुरू हो चुकी है और रात का टाइम हो चुका है, शहर के बीच का व्यू आप देखिए कितना प्यारा आ रहा है। मैंने नई गाड़ी देख ली है, मतलब कि भाई फरारी मैंने मंगवा के रखी है अपने बंदों से, इम्प्रूवमेंट है थोड़ी बहुत तो यार है, देखो बताना मुझे ज़रूर। तो फिलहाल चलिए आगे की तरफ निकलते हैं। वैसे इस टाइप ग्राफिक्स मैं ज़्यादातर मैंने यूट्यूब पे वीडियो में से देखा था, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट अब यार बंदे बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट करने लगे कि भाई अब कंप्यूटर काफ़ी हाई है तो इसमें थोड़ा ग्राफिक्स इंप्रूव करो, तो इसलिए भाई मैंने किया, नहीं तो मैंने आज तक देखो कभी नहीं किया था। मैं 2 साल से ज़्यादा ऊपर हो गए GTA की वीडियो डालते हुए, बट मैंने कभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने सोचा बंदों ने सही कमेंट किए, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कंप्यूटर लेके रखा है, तो क्यों ना उसको यूज़ में लेकर के आया जाए, तो इसलिए मैंने भाई
काफी अब की बार ग्राफिक्स इंप्रूव किया पहले से, आगे आते टाइम इसको और भी थोड़ा इंप्रूव कर लेंगे जब और भी ज्यादा मजा आएगा, तो भी आपको गेम को देखने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जब ग्राफिक्स थोड़े और अच्छे हो जाते हैं तो गेम को देखने में और ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है, ये मुझे ही पता है। तो चलिए फिलहाल भाई ये मैंने आपको पूरा पूरा नजारा दिखा दिया। फिलहाल आप देख रहे हो शहर कितना मस्त होकर के रखा है, क्योंकि थोड़ी बारिश होकर रखे इसलिए आसमान इतना क्लियर नहीं है, नहीं तो और भी ज्यादा क्लियर आने वाला था। सुबह का भाई वक्त हो चुका है, आप देख रहे हो कितने मस्त ग्राफिक्स यहाँ पर आ रहे हैं। इस वक्त पूरी भीड़ वगैरह है, गाड़ी में ट्रैफिक पूरा ज्यादा है, फरारी की शाइनिंग आप देख रहे हो भाई। पिछले टाइम मतलब कि पहले इतनी रिफ्लेक्शन नहीं आती थी गाड़ियों पर, बड़े यार बहुत अच्छे से रिफ्लेक्शन भी आ रही है। यही मैंने काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव किया है, लाइटनिंग सिस्टम बहुत सारी चीज़ें भाई की है इसमें, बहुत टाइम मेरा लग गया। बट मेरा एक नुकसान भी हो गया, मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, नुकसान क्या हो गया पता नहीं क्या ऐसी कुछ गड़बड़ हुई है, या तो हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम थी या कुछ भी थी, मेरा 100 GB का डेटा भाई करप्ट हो गया 100 GB। और दुख मेरे को सबसे ज़्यादा इस चीज़ का, चलिए कुछ चीज़ें कट गई जिसको मैं यूज़ करता नहीं था, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरी कट गई है यार, मेरा इतना नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। जैसे कि मेरे कंप्यूटर की मेन फाइलें जो कि सेव फाइल है सभी गेम्स की, मतलब कि मेरे जो मैं गेम खेला कर रहा था, अभी मैंने अपने गेम शुरू करके रखा था जो कि कुछ दिन पहले मैं खेल रहा था अपना प्यारा सेंट्स रो, उसका सेव गेम फाइल कट गई है, बहुत सारी सी ड्राइव में से फाइलें काम की कट गई है, इसी वजह से मेरा गेम फिर से रीसेट हो गया। अब मेरे को फिर से शुरू से खेलना पड़ेगा, इसलिए उसका गेम प्ले वीडियो नहीं आ रहा, क्योंकि भाई मेरे को फिर से खेलना पड़ेगा, मेरे को आलस आ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक ही चीज़ को दोबारा खेलने से फिर मेरे को वहीं पर पहुँचाना पड़ेगा उसको, जब तक मैंने वीडियो बना के रखी थी जहाँ तक, फिर से उसको वहीं तक खेलना पड़ेगा, फिर सारे काम करने पड़ेंगे, मैं बड़ा परेशान हो गया। ऐसे स्पाइडरमैन के साथ हो गया, मतलब मेरे जितने गेम्स थे सब रीसेट हो चुके हैं, बड़ा दुख हुआ मेरे को बहुत ज़्यादा। अच्छी बात क्या, चलिए GTA 5 बच चुका है, बट मैं देखी थी GTA 5 भी मेरा बचा नहीं था एक तरीके से देखा जाए तो, ये तो अच्छी बात है, मैं इसका बैकअप यहाँ वहाँ पर लेकर रखता हूँ, ये बच गया था, इसकी सारी फाइलें बच गई थी, नहीं तो करप्ट ये भी हो गया था। GTA 5 भी मैंने दोबारा इंस्टॉल किया, अब ये लेटेस्ट वर्जन पे, फिलहाल पहले पुराना वर्जन था, बस ये फर्क पड़ा है। बड़ी अच्छी बात क्या है, मेरे पे सारी फाइलें सेव थी ट्रेवर की भाई, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाता, रीसेट हो जाता अपना GTA देखा जाए तो। बट अच्छी बात क्या है, मैं इसका बैकअप रखता हूँ GTA 5 का हमेशा, इसलिए मेरा वो काम आ गया। तो इसलिए मेरे को अभी तक पता चला मेरा 100 GB का डेटा करप्ट क्यों हुआ है, ये विंडोज़ से कभी कभी मेरा विश्वास उठ जाता है भाई, विंडोज़ कभी भी कुछ भी उल्टा काम कर जाती है, समझ में नहीं आया। एंटीवायरस का अचार डालने के लिए रखा हुआ है हमने फ्री में, उसको खरीदते हैं, मेरे को ये वेला वाला एंटीवायरस अच्छा नहीं लगा, पता नहीं जो भी कमी हुई है, बस किस्मत ख़राब थी, काफ़ी ज़्यादा डेटा मेरा ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा 100 GB बहुत होती है, बहुत ज़्यादा डेटा डिलीट हो गया। चलिए खैर अब जो हो गया सो गया, उसको चेंज नहीं कर सकते, मैंने काफ़ी सॉफ्टवेयर भी ट्राई करे उसको रिकवर करने के लिए, बट भाई कुछ नहीं हो पाया, कद्दू भी कुछ नहीं हो पाया। जब एक बार करप्ट हो जाता है ना डेटा, फिर कितने दम लगा लो, कितने रिकवरी सॉफ्टवेयर यूज़ कर लो, कुछ नहीं होता, एक बार डेटा गया तो गया, कुछ कुछ मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता। तो फिलहाल भाई बस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मैंने आपको लगभग काफ़ी चेंजेस दिखा दिए ग्राफिक्स में, बाकी आपको और जब गेम प्ले वीडियो बनती रहेगी तब आपको देखने को मिलने वाले हैं, बहुत इंप्रूवमेंट्स हुई है हर जगह पर, जब धीरे धीरे वीडियो बननी शुरू होगी इस वाले ग्राफिक्स में तो आपको देखते देखते बहुत अच्छा लगने वाला है। तो फिलहाल बस बताइए कि भाई, हाँ मान तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, मैं इसको 4-5 मिनट की बनानी सोच रहा था, बट फिलहाल मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखाई और यार देखो इतनी जल्दी में नहीं हो पाता। तो फिलहाल चलिए भाई कमेंट्स करके बताना जरूर आपको अब की बार ग्राफिक्स कैसे लगे, यार देखो अब की बार कोई कमी नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है आपकी बात मेरी मेहनत काम आई है, जितना टाइम मैंने इसके ऊपर की ओर दिया है उस हिसाब से ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है, जैसे कि आप देख सकते हो गाड़ी के रिफ्लेक्शंस ऊपर, भाई स्काई आपका परफेक्ट लग रहा है, ट्रीज वगैरह हर एक चीज़ डिटेलिंग बहुत अच्छी है, पहले से परफेक्ट है अब की बार, तो अब गेम प्ले में मज़ा आने वाला भाई। चलिए खैर आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं पढ़ता हूँ, देखते फिर क्या होगा, क्योंकि भाई संडे से इसके ऊपर काम करना शुरू करना है, तो इसलिए अभी तक बता सकते हो तो बता दीजिए, तो वो मैं इंप्रूव कर दूंगा आज की डेट में, नहीं तो फिर थोड़ा टाइम लगने वाला, क्योंकि एक बार वीडियो बननी शुरू हो गई तो फिर मेरे को टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके फैमिली का मेंबर बन जाइए। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।